बच्चे छत पर खेल रहे हैं, माँ कुर्सी पर बैठी है, दादाजी छत पर टहल रहे हैं। आप कुर्सी नहीं सोफे पर बैठिए, आप कुर्सी पर मत बैठिए। तो फ्रेंड्स, पर का प्रयोग तो बहुत ज्यादा होता है ना, आज हम लोग देखेंगे कि तेलुगु में पर का प्रयोग किस तरह से करते हैं। इसके नकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस, जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं सब देखेंगे और बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि पर का प्रयोग कितना आसान होता है और कितना महत्वपूर्ण भी होता है। जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें तो पोजिशन बताने के लिए पर का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो आज हम लोग पर, जिसे तेलुगु में मीदा मीदा कहते हैं, उसका उसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पर को क्या कहते हैं तेलुगु में, मीदा। तो फ्रेंड्स, मीदा यहाँ पे लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा रहेगा तो मीदा ही रहेगा, लेकिन आकारांश प्रोनाउंस करते हैं इसीलिए उसे मीदा कहेंगे। ठीक है ना, मीदा। अब साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें थोड़ा थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा, जैसे टेबल पर, मेज पर। अब टेबल को तेलुगु में क्या कहते हैं, टेबल तो इंग्लिश शब्द है, हालांकि टेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन मेज बल्ला, मेज बल्ला, मेज पर मेज बल्ला बोल सकते हैं। ठीक है, मेज बल्ला मीदा, नहीं तो फिर बल्ला मीदा भी बोलते हैं। ठीक है, छत पर, छत को क्या कहते हैं, मेड़, मेड़ मीदा, मेड़ मीदा। ठीक है, और उसी तरह से फ्रेंड्स, कुर्सी पर, कुर्सी को क्या कहते हैं, कुर्ची, कुर्सी को कुर्ची, कुर्ची मीदा। सोफे को तो सोफे ही बोलते हैं। पलंग पर मंचन मीदा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के शब्दों को हमें तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, जिसका प्रयोग होता रहता है। और फ्रेंड्स, हिंदी तेलुगु इंग्लिश जो है उसकी किताब भी अब आ चुकी है, जिसका कि वर्षों से हमें इंतजार था, वो किताब आ चुकी है। और वो भी जो है ना फ्रेंड्स, वो दीपा डायरी ऐप में ही है। आप गूगल प्ले स्टोर से वहां पे दीपा डायरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे किताब भी है, उसका सैंपल बुक भी है फ्रेंड्स। तो आप जो है ना, उस किताब के जरिए कई तरह के शब्द जो है वहां से पा सकते हैं। वो किताब छोटी मोटी डिक्शनरी ही है, जिसमें कि हमारी जरूरत की सभी चीजें जो है वहां पे उपलब्ध है। वहां वर्ड से लेकर के सेंटेंस, फ्रेजेस, गप्पे मारने तक की बातें, जरूरत की बातें, हर तरह की बातें वहां पे लिखी हुई है। वहां पूरा कंटेंट दिया है फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ऐप के थ्रू तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह से सीख ही सकते हैं। नहीं तो edu.deepadairy.com है वेबसाइट है, वहां पे भी यदि आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी भाषा फ्रेंड्स आसानी से सीख सकते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली कोई भी सीख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं पर के बारे में, मीदा। मीदा का प्रयोग हम लोग इस तरह से करेंगे कि आज के बाद कोई भी सामान का पोजीशन बताने में, किसी भी व्यक्ति का पोजीशन बताने में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मीदा, मीदा, मीदा मतलब पर। तो सबसे पहले हमें जानना है फ्रेंड्स, जैसे अभी बताए, मेज पर, मेज पर को क्या बोलेंगे, मेज बल्ला मीदा, मेज बल्ला मीदा मतलब मेज पर, कोई भी सामान मेज पर है। और है के लिए क्या है के लिए होता है उंदी, याद है ना आपको, उंदी, उंदी मतलब है, उंदी मतलब है। ये दो तीन चीज को देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये दो तीन चीज को देख लेंगे ना तो उसके बाद हम लोग पोजिशन अपने आप बता लेंगे। ठीक है, उंदी, फिर उसके बाद होता है उंदा, उंदा का मतलब होता है क्या। ठीक है ना, यदि मान लीजिए हमें बताना है कि मोबाइल मेज पर है तो क्या बोलेंगे, मोबाइल मेज बल्ला मीदा उंदी। ठीक है, देखिए, मेज पर मेरा मोबाइल है या मेरा मोबाइल मेज पर है, दोनों बोल सकते हैं। मेज पर तो फिर क्या बोलेंगे, मेज बल्ला मीदा। देखिए, बल्ला मीदा ये तो जान गए, बल्ला मीदा मेज पर, मेरा मोबाइल ना मोबाइल ना, अब मोबाइल तो मोबाइल ही रहेगा, उंदी है, तो क्या सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से क्या बना, बल्ला मीदा मेज पर ना मोबाइल उंदी, मतलब मेज पर मेरा मोबाइल है ना मोबाइल, बल्ला मीदा उंदी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलेंगे, उंदा है क्या, तो फिर क्या बोलेंगे, बल्ला मीदा मेज बल्ला मीदा ना मोबाइल उंदा, मेरा मोबाइल है क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बन गया ना, मेज बल्ला मीदा ना मोबाइल उंदा, किसी से पूछना है कि मेज पर मेरा मोबाइल है क्या। ठीक है, यदि हमें बताना है कि मेज पर मेरा मोबाइल नहीं है, यदि कोई बता रहा है तो फिर क्या बोलेंगे, बल्ला मीदा ना मोबाइल ले दू, नहीं है के लिए
लेदु, पोजीशन जान रहे ना फ्रेंड्स, लेदु मतलब नहीं है। देखिए तीन चीज देख लीजिए, उंदे मतलब है, उंदा है क्या, लेदु नहीं है, ठीक है ना, उंदा है क्या, लेदु नहीं है, उंदी है। बस ये तीन चीज को ही हमें, किसी भी चीज का पोजीशन जानने के लिए बस ये तीन चीज को ही हमें जानना है। उंदा पूछेगा, उंदा है तो उंदी, नहीं है तो लेदु, बस। चलिए अगला देखते हैं, कुर्सी पर माँ बैठी है, कुर्सी पर माँ बैठी है, तो कुर्सी के लिए क्या बताए, कुर्ची, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कुर्ची मीदा, कुर्ची मीदा, कुर्ची मीदा माँ के लिए अम्मा, माँ के लिए अम्मा, अम्मा कुर्चंदी, कुर्चंदी बैठने के लिए क्या होता है, कुर्च, याद है ना, तो कुर्चंदी, कुर्ची मेदा अम्मा कुर्चंदी मतलब बैठी है, कुर्ची मेदा अम्मा कुर्चंदी बैठी है। अब अम्मा की जगह फ्रेंड्स यहाँ माँ है, यदि माँ की जगह हमें पिताजी के लिए बताना पड़ता तो कुर्सी पर पिताजी बैठे हैं, मान लीजिए हमें वो बोलना होता तो फिर कैसे बोलते हैं, कुर्ची मेदा नानगारू पिताजी, ठीक है ना, पिताजी के लिए नानगारू, याद है, पिताजी के लिए नानगारू, ठीक है, नानगारू कुर्ची मेदा नानगारू, कुर्चन दिन होता कुर्चन नारू, कुर्चो कुर्चन नारू, कुर्चो मेदा नानगारू कुर्चन नारू मीदा, ठीक है ना, कुर्ची मीदा। चलिए उसी पर देखते हैं, छत पर बिल्ली है, तो फ्रेंड्स यदि हम बोलना है छत पर बिल्ली है तो छत को क्या कहते हैं, मेड़ मीदा, मेड़ मीदा मतलब छत पर, मेड़ मीदा, ठीक है, मेड़ मीदा छत पर बिल्ली है, बिल्ली को क्या कहते हैं, पिल्ली, ठीक है, बिल्ली को कहते हैं पिल्ली, मेड़ मीदा पिल्ली उंदी, पिल्ली उंदी, मेड़ मीदा पिल्ली उंदी मतलब छत पर बिल्ली है। यदि हमें बोलना है छत पर बिल्ली है क्या, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट करके बताइए, छत पर बिल्ली है, छत पर बिल्ली नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, तब तक हम अगला सेंटेंस देखते हैं, कुर्सी पर मत बैठो। अब यहाँ पर नेगेटिव देखते हैं, कुर्सी पर मत बैठो, तो कुर्सी के लिए क्या था, कुर्ची, कुर्ची पर के लिए मीदा, कुर्ची मीदा मत बैठो, बैठो के लिए तो क्या था, कुर्चो, मत के लिए याद है नो वाला वीडियो, नो वाला वीडियो में यूजेस ऑफ नो, नो का तो मत के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वद्दू, वद्दू याद है ना, मत जहां भी लगाना है उसके लिए वद्दू का प्रयोग करते हैं, वद्दू वद्दू, ठीक है, तो कुर्ची मेदा मत बैठो, कुर्ची मेदा कुचो दू, कुचो प्लस उद्दू, कुचो या कुचो प्लस उद्दू क्या हो जाएगा, कुचो दू, ठीक है, कुर्ची मेदा कुचो दू मतलब कुर्सी पर मत बैठो, तो क्या हुआ, कुर्ची मेदा कुचो दू मत बैठो। अरे यदि बोलना है कुर्सी पर बैठो तो कुर्ची मेदा कुचो, यदि कुर्सी पर बैठिए तो क्या बोलेंगे, कुर्ची मेदा कुचोंडी, ऐसे तो याद हो ही गया होगा फ्रेंड्स अब तक आप लोग को, कुचोंडी कुर्ची मेदा कुचोंडी, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यदि हमें बोलना है उस टॉपिक पर बात मत करो, उस टॉपिक पर, टॉपिक तो इंग्लिश शब्द है, उस टॉपिक पर, तो उसके लिए क्या होगा, आ टॉपिक मीदा, ठीक है, देखिए मैं यहां लिख देती हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, देखिए आ टॉपिक मीदा, आ टॉपिक मीदा उस टॉपिक पर बात मत करो, मत के लिए वद्दू, बात करना माटलाडटम, मालूम है ना, माटलाडटम, तो क्या बोलेंगे, आ टॉपिक मीदा माटलाडुद्दू, एक साथ हो गया, देखिए माटलाडुद्दू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो संधि चलती ही रहती है, संधि हमें सीखनी है, तोड़ के सीखना है, जोड़ के बोलना है, माटलाड प्लस उद्दू, माटलाड प्लस उद्दू मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, माटलाड उद्दू, मिला के बोलना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, माटलाड उद्दू मतलब बात मत करो, किस पे, आ टॉपिक मीदा उस टॉपिक पर,
ठीक है। यदि हमें बोलना है इस टॉपिक पर तो क्या बोलेंगे, ई टॉपिक में द, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सेंसिटिव मैटर चल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई टॉपिक में द मत लाड़ो दो, मतलब इस टॉपिक पर बात मत करो, मीदा पर। यदि हमें बोलना है इस टॉपिक पर बात करो तो फिर क्या बोलेंगे, ई टॉपिक में द मत लाड़ो, ठीक है। ई टॉपिक में द, फिर यहां से क्या है उर्दू घटा देंगे, ई टॉपिक में द मत लाड़ो, मतलब ई टॉपिक में ना, फिर इस टॉपिक पर बात करो, ई टॉपिक में द मत लाड़ो, इस टॉपिक पर बात करो, आ टॉपिक में द मत लाड़ो, उस टॉपिक पर बात करो। तो फ्रेंड्स पर के लिए मीदा, पर के लिए मीदा। तो फ्रेंड्स आप फटाफट मीदा से संबंधित एक दो सेंटेंस अपने से बनाइए और उसे जो है ना कमेंट्स करके बताइए कि मीदा को आप कितना हद तक समझ पाए और आप आसानी से यूज कर सकते हैं ना, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।